जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के दिसंबर के राशिफल के बारे में, कैसा रहने वाला है मीन राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार सुख की स्थिति, संतान की स्थिति, नौकरी और व्यापार की स्थिति के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही शुभ समाचार जरूर दूंगा कि आप लोगों के लिए दिसंबर का महीना पूरे साल में सबसे बेहतरीन महीना रहने वाला है। यानी पूरे साल भर जो आपने 2020 में जनवरी से नवंबर तक जो कष्ट, जो समस्याएं सही हैं, वो दिसंबर में आपकी समाप्त हो रही है। यानी दिसंबर में ये साल जाता जाता आपको शुभ समाचार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपहार स्वरूप देने जा रहा है जो आपको बहुत सी शुभ रहने वाली है, जिससे आप में खुशी रहेगी, परिवार का माहौल, वातावरण खुशनुमा रहने वाला है। चलिए तो उस जानकारी के साथ मैं आपके सामने सारी जानकारी प्रस्तुत करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक यानी धन की स्थिति के बारे में। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में धन की स्थिति अति उत्तम रहने वाली है। धन प्रचुर मात्रा में आपको मिलने वाला है, धन की बारिश आपको मिलेगी, यानी रुका हुआ पैसा आपको आएगा, व्यापार में रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, व्यापार की में आपका कहीं प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें अच्छे धन आपको लाभ मिले, व्यापार की तरफ से आपको या नौकरी की तरफ से धन आपको प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है, जिससे धन की जो भी समस्या है, जो पूरे साल आपने सही है स्ट्रगल किया है, सर्वाइव किया है, वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। यानी धन की स्थिति मजबूत और प्रबल मात्रा में या प्रबल स्थिति आपकी नज़र आ रही है। इसके बाद अगर हम नौकरी की बात करें, नौकरी में आपके अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। नौकरी में आई हुई सारी रुकावटें, सभी समस्याएं दिसंबर में समाप्त होने वाली हैं। नौकरी में जो चीज़ आपको सहनी पड़ रही थी, चाहे आपके सीनियर्स आपसे नाराज़ थे, आपका मन नहीं लग पा रहा था नौकरी करने में, नौकरी में आपका जो कार्य करने की क्षमता है आप पूरी नहीं दिखा पा रहे थे, तो दिसंबर के महीने में नौकरी में आपका मन भी लगेगा और आप नौकरी में इतना अच्छा काम करने वाले हैं जिससे आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा समाचार है। अगर आपको नौकरी नहीं थी, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है कि आप पे नौकरी नहीं है तो मेरे लिए क्या है, अगर आपके पास नौकरी नहीं थी तो 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपको नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है, या आपने किसी अपने मित्र को, अपनी पुरानी कंपनी के किसी दोस्त को बोला हुआ था अपनी नौकरी के लिए, तो वहां से आपको समाचार मिल सकता है कि आप आइए और नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। यानी कुल मिलाकर मीन राशि वालों के नौकरी पक्ष के लिए नौकरी की स्थिति मजबूत और प्रबल नजर आ रही है, यानी आपको अच्छे रिजल्ट लेकर आया है दिसंबर का महीना। अगर व्यापार की स्थिति की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया व्यापारियों के लिए व्यापार में आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको धन लाभ अच्छा हो। आपका सामाजिक रिलेशन, जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, उससे आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे जिससे आपको धन लाभ होगा। आपके जो काम करते हैं नीचे वर्कर्स हैं, वो अच्छी काम करने वाले हैं, आपके लिए पॉजिटिव वेव्स आएंगी, वो मेहनत के साथ काम करेंगे जिससे आपकी कंपनी के, आपके व्यापार की प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ होगी और आपका व्यापार बढ़ेगा, ऊंचाइयों तक जाएगा। तो व्यापार की स्थिति अच्छी नज़र आ रही है। आपका अगर पार्टनर है या नहीं है तो भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, पार्टनर है तो उसके साथ आपका सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ आपको काम करने से अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, और पार्टनर नहीं है तो आप स्वयं से भी अच्छे रिजल्ट खुद से पा सकते हैं, क्योंकि आपका जो आपका दिमाग है, आपकी योजनाएं हैं, आपकी प्लानिंग है, उनसे आपको दिसंबर के महीने में अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आपकी प्रेम की मैं स्थिति बात करूं तो प्रेम प्रसंग तो आपका अद्भुत रहने वाला है। प्रेम के मामले में आपको चमत्कार महसूस होगा, आप किसी को पसंद करते हैं तो वो आप अगर उसको प्रपोज करना चाहते हैं, वहां आपको उसका हाँ ही का जवाब मिलने वाला है दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आपका जीवन साथी आपसे दिसंबर के माह में, मीन राशि वालों, आपका जीवन साथी दिसंबर के माह में आपसे भरपूर प्यार, आपका सपोर्ट और आपका आदर करने वाला है। अगर आपकी लड़ाई भी रहती है या आपके दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं मिलती है, तो दिसंबर के महीने में ये एक बड़ी समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि घर में आई समस्या से
आपकी मैरिड लाइफ में आई समस्या से हमारा मन आपके काम में, अपने कामों में, अपने व्यापार में रुकावटें और अड़चनें पैदा करता है, क्योंकि घर की समस्या अगर हम अपने ऑफिस में या व्यापार में लेकर जाते हैं तो वहाँ भी हमारा मन कहीं ना कहीं विचलित रहता है और अच्छे काम या मेहनत हम उतनी अच्छी नहीं कर पाते जिसके लिए हम सक्षम हैं। तो आपका जीवन साथी के साथ सहयोग अच्छा रहने वाला है, जिससे आपका व्यापार और नौकरी में मन भी अच्छा रहेगा। अगर आपके परिवार की स्थिति में देखूं तो परिवार में पिता की तरफ से आपको अचानक से धन लाभ मिलने वाला है, या आपके पिता को कहीं से अचानक से धन लाभ मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया कि धन का बारिश होगी, धन आएगा आपको तीनों तरफ से, चारों तरफ से धन ही धन आने वाला है। बस आपको थोड़ा सा उस धन को सहयोग से उसको एक अच्छी तरह निवेश उसको करना है, उसको संचित आपको करके रखने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि धन आपके पास आए और आप व्यर्थ का धन खर्च करना करना चालू कर दें, व्यर्थ की चीज़ों में लगाना लगें। एक गाड़ी आपके पास, आप एक और वाहन खरीदने की सोचें, ऐसा नहीं है। आप उस धन को प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में सेविंग करके रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। इसके अतिरिक्त अगर संतान सुख की मैं बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दिसंबर के माह में मीन राशि वाले जातकों की संतान में कष्ट की समस्या नजर आ रही है। दिसंबर में आपको संतान की तरफ से कोई कष्ट आपको मिल सकता है, आपकी संतान के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो सकती है, आपकी संतान को चोट वगैरह लग सकती है। तो कोशिश करें दिसंबर के महीने में अगर आपकी संतान छोटी है तो उसको स्कूटी बाइक गाड़ी की चाबी ना दें, अन्यथा उसको चोट वगैरह लग सकती है। और अगर संतान बड़ी है तो भी आप उनको ये सलाह जरूर दें कि वो ड्राइव या वाहन चलाते समय ध्यान से चलाएं ताकि वो सचेत और सही रहें। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संतान को कोई शारीरिक कष्ट बन सकता है। अगर आपके, मैं शिक्षा की बात करूं, जो मेरे भाई लोग विद्यार्थी हैं और शिक्षा में हैं, एजुकेशन में हैं, तो उनको इस महीने थोड़ा सा परिश्रम, फोकस, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका पिछले कई महीनों से, उनकी कुंडली में, उनके राशिफल में मैं बताता आया हूँ कि वो पिछले कई महीने से आप लोगों का, आपकी एजुकेशन पर फोकस और आप जितनी मेहनत हैं, आप में जितनी क्षमता है उतनी आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, जिससे आपको एजुकेशन में बाधा रुकावटें आ रही हैं। तो ये आपको अभी भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दिसंबर का अंतिम महीने की अंतिम राशिफल मीन राशि के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा, उत्तम और अद्भुत आपके लिए रहने वाला है। तो आपकी जो भी समस्याएं थी वो सभी समस्याएं दिसंबर में समाप्त हो जाएंगी और जाता हुआ साल 2020 मीन राशि वालों के लिए शुभ समाचार लेकर आया है। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना है। एक उपाय मैं आपको देता हूँ, वो उपाय आप जरूर करें जिससे आपके लिए और ज़्यादा ये महीना चमत्कारी साबित हो। और आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का दान जरूर करें। केवल चार गुरुवार हैं पूरे महीने में, चारों गुरुवार आप पीले वस्त्र का दान करें अपने हाथों से, और ऐसे व्यक्ति को दान करें पीले वस्त्र जो एक तरह से अपंग हो, जिसको ऐसा ना हो कि आप किसी गरीब को दे रहे हैं जिसके हाथ पैर सब कुछ सलामत है, उसको नहीं देना है। जिसको कोई शारीरिक कष्ट हो, उसको हाथ ना हो, पैर ना हो, आंख ना हो, दुर्लभ हो, चल फिरने में दिक्कत हो या वृद्ध स्थिति में हो, ऐसे व्यक्ति को आप पीले वस्त्रों का दान जरूर करें। इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा और बरसेगी। तो आपके लिए इतना ही, आपकी कुंडली वैसे ही बहुत मजबूत है, भाग्य आपके साथ है मीन राशि वालों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई राशि फल के साथ एक नई वीडियो में। मैं पंडित बीएन शास्त्री आपसे इजाजत चाहूंगा। जय माता दी मित्रों।